हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एयरटेल ने अपनी वाईफाई कॉलिंग सर्विस स्टार्ट कर दी है। इस सर्विस को फ़िलहाल दिल्ली NCR में लॉन्च किया गया है। वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट देने वाली एयरटेल इंडिया की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एयरटेल वाईफाई कॉलिंग की हेल्प से एयरटेल सब्सक्राइबर्स वाईफाई नेटवर्क को यूज़ करके कॉल कर पाएंगे किसी आम वॉइस कॉल की तरह। एयरटेल वाईफाई कॉलिंग के लिए किसी अलग ऐप की ज़रूरत नहीं होगी। यह सभी फोन्स में काम करेगा। सिर्फ वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन को एक्टिव करना पड़ेगा। एयरटेल का कहना है कि नई सर्विस की मदद से यूज़र इंडोर में मजबूत वाईफाई नेटवर्क का फ़ायदा उठाकर बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस पाएंगे। अब हम आपको एयरटेल वाईफाई कॉलिंग फीचर्स के बारे में डिटेल से बताते हैं। एयरटेल वाईफाई कॉलिंग फीचर अभी दिल्ली NCR में एयरटेल कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है और यह एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर होम ब्रॉडबैंड के साथ काम करता है। हालांकि एयरटेल ने बताया है कि वह सभी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स और हॉटस्पॉट में सपोर्ट जोड़ने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा सभी हैंडसेट में भी इसके लिए सपोर्ट लाया जा रहा है। एयरटेल वाईफाई कॉलिंग फीचर उन सभी स्मार्टफोन में अवेलेबल होगा जो वाईफाई कॉलिंग फीचर के साथ आते हैं, लेकिन अभी यह चुनिंदा फ़ोन के साथ ही काम करता है। तो अगर आप इसकी लिस्ट है एक जिन फ़ोन में अभी ये वाईफाई कॉलिंग फीचर काम करता है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे देंगे कि आपके फ़ोन में ये वाईफाई कॉलिंग फीचर काम करेगा या नहीं। यूज़र्स को अपने फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग फीचर्स को इनेबल करना होगा और एयरटेल वाईफाई कॉलिंग को यूज़ में लाने के लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बिल्ड में अपग्रेड करना होगा। इसके अलावा यूज़र्स को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए VoLTE को ऑन रखने का सुझाव दिया गया है। जहां तक डाटा यूजेज की बात है तो 5 मिनट के वाईफाई कॉल में 5 MB डाटा का यूज़ होगा। अगर वाईफाई नेटवर्क गायब हो जाता है तो वाईफाई कॉल अपने आप VoLTE पर स्विच हो जाएगा। एयरटेल वाईफाई कॉलिंग के फ़ायदे के बारे में इस टेलीकॉम कंपनी ने बताया कि यूज़र्स को अलग सिम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वे वाईफाई नेटवर्क के साथ कहीं से भी कॉल कर पाएंगे या मैसेज भेज पाएंगे। इसके अलावा वाईफाई पर बेस्ड कॉलिंग सेवा के बारे में बेहतर कॉल रेट, अप टाइम और ऑडियो क्वालिटी देने का दावा किया गया है। इसके अलावा यूज़र्स को एयरटेल वाईफाई कॉलिंग सर्विस के लिए अलग प्लान लेने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही कोई एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा। वाईफाई कॉल को किसी आम कॉल का ही दर्जा मिलेगा। इसके अलावा रिसीवर को इस कॉल के लिए अपने फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग इनेबल करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेटवर्क को लेकर कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। एयरटेल वाईफाई कॉल को किसी भी अदर नेटवर्क पर किया जा सकेगा। एकमात्र जो डिफरेंस है वो है एक डिफरेंट सिंबल का। वाईफाई कॉलिंग के दौरान कॉल स्क्रीन पर वाईफाई कॉल का आइकन नज़र आएगा। एयरटेल कस्टमर्स रोमिंग में भी वाईफाई कॉल कर पाएंगे, लेकिन इससे इंटरनेशनल कॉलिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास जो कि एयरटेल वाईफाई कॉलिंग फीचर जो सर्विस है उसके बारे में मिली है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स।